What's up people, once again welcome back to my channel Akku Vlogs. Hope you guys are doing good. अपना भी सही चल रहा है और ये सिग्नल मिल गया है तो हमें रुकना पड़ेगा अब. कोई नहीं, अभी बेसिकली हम लोग जा रहे हैं आपका Tvs Ntorq का टेस्ट राइड लेने के लिए. Tvs Ntorq का मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था और मैंने पहले चला रखा है पर मेरे को थोड़ा और एक्सपीरियंस करना था उस व्हीकल के लिए. 20 minutes later. सो अभी मैं जा रहा हूँ आपका माड़ी वाला Tvs का शोरूम एंड वहाँ जाके फिर सब कुछ देखते हैं कैसे है, क्या है, क्या प्राइस रेंज पे दे रहे हैं वो व्हीकल. सो गाइस पहुँच गए हम लोग Tvs का शोरूम. अब देखते हैं कैसे है, क्या व्हीकल पड़ी है, सब टेस्ट राइड करते हैं. यही है Ntorq जिसके लिए मैं अभी आया हूँ. उसी को भी टेस्ट राइड करके देखेंगे और सब कुछ डिसाइड करते हैं. फिर चलते हैं शोरूम के अंदर, शोरूम के अंदर चल के बात करते हैं. कैसा है गाड़ी? हैंडलिंग बहुत अच्छा है गाड़ी का. पावर अच्छा लगा, मतलब इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है. पकड़ बैग, मैं चला के देखता हूँ. सो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ आपका Ntorq में. Ntorq सीटिंग पोजीशन वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. उसके बारे में बहुत बड़ाई कर चुका हूँ ऑलरेडी, और बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कैसी है व्हीकल की साउंड, क्या मस्त आती है. पावर सच में बहुत अच्छा दे रहा है, सच में पावर वाइज बहुत अच्छी लगी मेरे को ये गाड़ी. अभी पावर बहुत सही है. यहाँ पे इंडिकेशन आप देख सकते हैं, पेट्रोल का इंडिकेशन आ रखा है एंड इकोनॉमी चल रहा है तो इकोनॉमी का इंडिकेशन दिखा रहा है. घड़ी का टाइम दिखाता है, खैर टाइम सेट नहीं हो रहा ठीक से तो इसलिए कुछ भी दिखा रहा है. एंड इसमें ब्लूटूथ है, इसमें आपका ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन के थ्रू. एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करने से क्या आपको मैसेज नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन एंड मैप नेविगेशन सब कुछ दिखाता है ये व्हीकल. एंड ट्रस्ट मी, ये व्हीकल का पावर बहुत सही लगा मेरे को. साउंड के साथ पावर बहुत अच्छा है. इनिशियल पिकअप तो A1 लगा अभी तक. इनिशियल पिकअप देख के मेरे को अलग सा ही मज़ा आने लग गया क्योंकि इनिशियल पिकअप का एक अलग ही लेवल है. तो ये एक व्हीकल आई वुड से इट्स अ रियली अ गुड व्हीकल. आई कैन गो फॉर दिस व्हीकल. आई रियली अप्रिशिएट Tvs फॉर दिस अमेजिंग व्हीकल विच दे हैव मेड. आपको मैं एक बार ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ इस व्हीकल का, एक ओवरऑल लुक ग्लिच दिखा देता हूँ आपको. जो ओवरऑल लुक आप जो देख सकते हैं, सो ये लुक बहुत सुंदर है एंड मेरे को बहुत सुंदर लगा था. आपने एक प्रीवियस वीडियो आई बटन में आ रहा होगा, आप देख सकते हैं मैंने इसके एक क्लिप है उसमें. आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो देखने में. ये व्हीकल का सीट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है. एंड आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसका जो सीट के अंडर का स्पेस दिखा देता हूँ. सीट के अंदर का स्पेस आप देख सकते हैं कितना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है. तो स्पेस इज़ ओके, इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज इट्स नॉर्मल स्कूटी. आपका मैक्स स्कूटी नहीं है, नॉर्मल स्कूटी के हिसाब से ये बहुत अच्छी है. एंड पेट्रोल का टैंक का ये भार है. पेट्रोल ऐसे खुलता है, आप देख सकते हैं पेट्रोल का चाबी यहीं से घुमाने का खुलता है तो बहुत सही है. आपको खोलना नहीं पड़ता सीट, दिस इज़ वेरी इजी टू ओपन एंड अगेन वेरी इजी टू लॉक. एंड किक का बहुत बेस्ट लगा मेरे को क्योंकि आपको डबल स्टैंड लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली किक कर सकते हैं व्हाट इफ अगर व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहा हो. तो ओवरऑल ये व्हीकल A1 है एंड थैंक यू सो मच सर, हेल्प करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच. तो ये व्हीकल अच्छा लगा, लेट्स गो टॉक अबाउट इट एंड फिर बात करते हैं आगे. सो गाइज आप देख सकते हैं Tvs के वहाँ पे खड़े हैं एंड हमने टेस्ट राइड ले लिया. आपने देखा, आप कैसा लगा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. एंड अब हम बता देते थोड़ा बहुत. ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ओवरऑल सब चीज़ों में बहुत अच्छी है क्योंकि पहली बात उसमें 3 valve है, वेयरस वो सब सारे स्कूटर्स 2 valve है. तो इवन आज भी भाई आया साथ में तो हमें डिसाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. एक इंडिविजुअल का ओपिनियन थोड़ा सा अजीब रहता है, वेरस दो इंसानों का ओपिनियन थोड़ा अच्छा रहेगा. तो सोचा इसको वापस बुला लूँ एंड फिर से सेम वीडियो हम लोग शूट करने लगे. आज Ntorq का किए तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड आपका क्या कहना बाइक के बारे में? तो Ntorq का साउंड बहुत अच्छा है, कम्फर्ट अच्छा है, राइड स्टाइल अच्छी है, लुक्स अच्छा है एंड मोर ओवर पिकअप बहुत अच्छा है. पिकअप मानना पड़ेगा, पिकअप तो पिकअप एक अलग लेवल का था एंड साउंड से आपको एक फील आ रही थी कि हाँ गाड़ी मतलब
कुछ अलग लेवल की गाड़ी है, मतलब साउंड जो दे रहा था उससे आपको और फील हो रहा है कि आप इंस्टेड ऑफ चलाने के आप रेव करें. एंड माइलेज भी अच्छा है, 45 to 50 बोल रहे हैं कंपनी, सो आई होप माइलेज भी अच्छा ही रहेगा. एंड आपने उसका देखा होगा कि जो किक का पार्ट है वो मेरा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है मेरे को. तो दो गाड़ियों में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, पर हाँ आज की डेट में आपको कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन, कभी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा हो, आपको डबल स्टैंड में नहीं डालने का सर, तो आप डायरेक्टली साइड से स्टार्ट कर सकते हैं. वेयर एज और व्हीकल में ये नहीं था. एंड इवन Ntorq में आपका किल स्विच है, वो चीज़ देख के थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि एक द ओनली व्हीकल जो किल स्विच के साथ आया है. पहले व्हीकल में देखिए स्कूटी में खासकर जो जिसमें किल स्विच है वही, तो ये चीज़ बहुत सही लगा हमें. एंड हमें अभी तक दो व्हीकल अच्छी लगी है, दैट इज फर्स्ट वन इज वर्कमैन एंड सेकंड वन इज Ntorq. सो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है Ntorq. हाँ कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर में भी बहुत अच्छा लगा, Ntorq सच में बहुत सही बनाया है, सही कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ किए हैं. तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा तो लाइक करके जाना, अगर और किसी को हेल्प चाहिए तो आप ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ऐसे टाइप के और वीडियोस आते रहेंगे. सो टिल देन सी यू देन, साइनिंग ऑफ Aku Vlogs, बाय बाय टाटा, टेक केयर.